हुए अंतरिक्ष विज्ञान जगत में अपना दबदबा कायम करने जा रहा है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ये सफलता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसको लेकर उत्साह और जोश आसमान पर है। लैंडिंग की प्रक्रिया बेहद नाजुक और जटिल है। इसके लिए सबसे अहम होंगे अंतिम 15 मिनट। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से पैराशूट की मदद से लैंडर उतरेगा। इसके लिए लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। लैंडर की चाल को नियंत्रित करके धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर पृथ्वी पर सिग्नल भेजेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 से प्राप्त चांद की ताजा तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि मिशन समय पर है और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। इसरो मुख्यालय में भी चंद्रयान 3 को लेकर बेहद उत्साह है। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 कामयाब लैंडिंग करके चांद पर भारत की कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाया गया है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम करता रहे। हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। चंद्रयान 3 के विषय में जो लैंडर रोवर को इस जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म। हाई रेजोल्यूशन कैमरा विक्रम के साथ है वो ऊपर से इनिशियल जो 25 किलोमीटर ऊपर जब वहाँ पर लैंडिंग के लिए तैयार होगा वो उस वक्त उसको मॉनिटर करेगा कि सेफ लैंडिंग कहाँ हो सकती है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर देशवासी ही नहीं दुनिया भर के लोग भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। रूसी महावाणिज्य दूत ने विश्वास जताया कि चंद्रयान 3 सफल होगा और रोवर सुरक्षित रूप से उतरेगा और काम करना शुरू करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य चांद की सतह पर रोविंग और सुरक्षित लैंडिंग में त्रुटिहीन दक्षता को प्रदर्शित करना है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का 4th देश होगा। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग ग्रहों की खोज की दिशा में नए अवसरों के द्वार खोलेगी। चंद्रयान 3 मिशन को पिछले महीने की 14 तारीख को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था।